What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. तो अभी टाइम हो रहा है 11:50 एंड पूरा नहीं अंदर अभी तक गई नहीं है अपनी 11 बजने वाली बट चलो इसके घर पर थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट तो निकलते अपने घर से. आज भी मेरे को इसको क्लीन करने का टाइम नहीं मिला है बट सोच रहा हूँ शाम को इसको वॉश करवा के ही आ जाऊँ. बहुत दिन हो गए इसको वॉश नहीं करवाया बट इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें भी निकालनी पड़ेगी. और देखो वापस बंद हो गई. चल भाई चल ले. और देखते देखते फील भी हो चुका है 1 पॉइंट डाउन एंड ऑलमोस्ट गाड़ी चल चुकी है 55 प्लस 10 55 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है. बाकी इसको थोड़ा सा पुश करते हैं फिर निकल अपने घर. सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं अपने घर से एंड सच बोलूँ गाइस कुछ दिनों से मेरे को ऐसी वाइब्स आ रही है कि फाइनली आई एम बैक टू माय रेगुलर रूटीन एंड एवरीथिंग. सो गाइस जॉब को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था. कुछ चीज़ें सोच रहा था एंड फाइनली ना आई स्टक ऑन अ डिसीजन बट दिस डिसीजन इज़ फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ओनली, क्योंकि तब तक मेरे पास कुछ सपोर्ट नहीं है एंड ड्यू टू सम रीजंस आई नीड टू मेक श्योर के भाई साहब मेरी जो इनकम है दैट इज़ अ बिट स्टेबल, वो लो ना रहे एंड बाकी सारी चीज़ें अच्छी से अच्छी रहे. और अभी के टाइम के हिसाब से देखूँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ, सारी चीज़ें अच्छी है. बट देर आर फ्यू थिंग्स विच आई नीड टू हाईलाइट इन माई लाइफ कि भाई साहब मेरा करियर ग्रोथ, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल, मेरा मेंटल पीस, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग नीड्स टू बी मेंटेन्ड. और वो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि वो मेंटेन नहीं हो रही थी. और सच बोलूँ तो यू गाइज हैव सीन मी फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स हाउ आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ, हाउ आई कैन से दैट कि हाउ आई एम परस्यूइंग माई गोल्स एंड हाउ आई एम able to do the things on time and everything. So that is the thing. बाकी जितना मैं अभी इंग्लिश बोल रहा हूँ ना वो मेरी सारी इस जॉब मेरी प्रीवियस जॉब की वजह से है एंड वो मेरा इतना अच्छा हुआ है, वोकेबलरी मेरी अच्छी हुई है, मेरी इंग्लिश अच्छी हुई है, मेरा प्रोनाउंसिएशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. हर हर महादेव, भगवान आपकी कृपा बनाए रखना हमारे पे. बाकी हर बार की तरह इस बार भी मेरे को कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं एवरी 6 to 7 months इन माय लाइफ टू ग्रो माय सेल्फ, टू इम्प्रूव माय सेल्फ, टू इम्प्रूव माय नॉलेज एंड एवरीथिंग. गाइस आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन सिट ऑन अ डेस्क फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड जस्ट डू सिंग पर्टिकुलर वन थिंग एंड आई वॉज नॉट सींग माई पर्सनल ग्रोथ ओवर देयर. और भी बहुत चीज़ें थी कि अगर मैं ग्रोथ कर भी लेता तो भी मुझे इंस्टेंट नहीं मिल पाता जो इस हिसाब से मुझे चाहिए था, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग हैज़ एक्सपेक्टेशंस, एवरी वन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम एवरीथिंग एंड आई वॉज नॉट अ पर्सन हु इज़ अ ग्रीडी. मुझे पैसों से उतना नहीं होता है बट यस उतना तो होना चाहिए कि भाई साहब मेरी एक लाइफ स्टाइल जो है करंट लाइफ स्टाइल वो मेरी मेनटेन्ड रहे और साथ में ही मैं कुछ अच्छे से अच्छा कर पाऊँ. दैट वॉज द थिंग. बाकी सच बोलूँ गाइस तो एक टाइम पे मैं ऐसा भी आ गया था, एक टाइम पे मेरा ऐसा भी मैं सोच रहा था कि आई शुड स्टार्ट माय ओन बिजनेस एज वेल, बट वो मैंने आइडिया ड्रॉप किया फॉर नाउ. मुझे करना होता तो मैं कर लेता कब से ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं था. मैं सच बोलूँ तो पिछले 1.5 महीने से मैं अपने स्टार्टअप के लिए सोच रहा था. स्टार्टअप बोलूँ या छोटा सा बिजनेस बोलूँ या कुछ भी बोलूँ दैट इज़ द थिंग. स्टार्टअप तो नहीं बोल सकता क्योंकि स्टार्टअप एक कंपनी होती है एंड आई वॉज नॉट गोइंग टू फाउंड और समथिंग डिलीवर समथिंग स्पेशल. बट यस एक छोटा सा आइडिया था जिसको मुझे एग्जीक्यूट करना था बट वो मैंने अभी नहीं किया. उसके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं. सबसे पहला फाइनेंशियली आई वॉज नॉट एबल टू हैव दोज मनी विथ मी एंड अगर मेरे पास होते तो मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार सोचना पड़ता जस्ट बिकॉज ऑफ
I have some responsibilities. I need to deliver those responsibilities every month, and that was not easy for me. You guys won't believe, but मेरा जो मैं सच बोलूँ, मेरा क्या था कि मैंने जब अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी इन बैक 2021, एट दैट टाइम आई वॉज अर्निंग 15,000 अ मंथ, एंड उसके बाद मैंने थोड़ा अपग्रेड किया, तब मेरे को जाके मेरा प्रमोशन हुआ, मेरा अच्छा खासा हुआ. तब एट दैट टाइम आई वॉज अर्निंग 23,000+ और वो मेरा, उसके बाद मैंने जो भी लास्ट जॉब जो मैंने कर रहा था, दैट वॉज ऑलमोस्ट 30K. बट वो मेरा एक अमाउंट था कि विच आई वॉज नीड इन दैट अमाउंट. बट एट द एंड ऑफ द डे वॉज गेट टू नो कि मुझे जो अमाउंट प्रोमिस किया गया है उसमें से बहुत ज़्यादा डिडक्शंस है, एंड आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल दोज डिडक्शंस एज वेल. और उसके अलावा भी दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं हो रही थी मेरे से, दैट वॉज द थिंग. बाकी मैं अभी जहाँ पे जा रहा हूँ, आई एम देयर फॉर अ फ्यू पीरियड ऑफ टाइम, मैंने पहले से ही बोल के रखा हुआ है. और बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मुझे दिमाग में रखनी है, एक ग्रोथ मेंटेन करना है, एक जगह पे स्टेबल होना है. और मैंने अपनी मल्टीपल इनकम्स में से, सच बोलूँ तो मैंने एक इनकम अपनी बंद कर दी है, दूसरी एक जॉब एंड और एक है चीज़ जिसकी वजह से आई विल सस्टेन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैंने तीसरा अपना सोर्स ऑफ इनकम बंद इसलिए किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे पास टाइम नहीं था मेरे लिए, एंड अभी उसकी जगह पे उसका ऑल्टरनेटिव मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज़ द थिंग. बाकी चलता हूँ, अभी एक अपना काम है वो निपटाता हूँ, फिर चलूँगा ऑफिस, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ. सो गाइज, देखते ही देखते हो चुकी है शाम, एंड मैं फाइनली अपना सारे काम वाम ऑफिस निपटा के निकल चुका हूँ. और यस, फाइनली अर डे वेल स्पेंड. एंड अभी यहाँ पे तो भाई साहब पानी है, गिरना नहीं है भाई. एक्टिवा का टायर बहुत ज़्यादा ही स्किट खाता है, दैट इज़ द रीज़न. और आज मैंने बहुत ज़्यादा ही कुछ डिफरेंट किया है, बहुत दिनों बाद मैं से, लाइक सच बोलूँ ना, मैंने काम किया हुआ है बट साथ में मैं फ्रीली घुमा हूँ. द पर्सन आई वॉज इन द बिगिनिंग, आई एम बैक टू दैट नॉर्मल लाइफ, एंड और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, बट चलो वो सारी बातें अपने बाद में करेंगे. बट आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड गाइज, आज के साथ साथ मैंने अपना मिनी व्लॉग भी वापस स्टार्ट कर दिया है. सो प्लीज़ गाइज, लेट मी नो आप लोगों को मेरा मिनी व्लॉग कैसा लगा, एंड जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट कर देना. नहीं पसंद आए तो भी बता देना, पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना. बाकी गाइज, ये वाला व्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन. और आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हो. बाकी गाइज, आप सभी लोगों को मिलूंगा मैं एक ऐसे ही किसी नए व्लॉग में. टिल देन, बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, स्टे फिट. सी एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग. साइनिंग ऑफ द शांत.